So good evening guys. So today I am making video on GST composition scheme, and the reason is because last date for the application of composition scheme is 31st March 2019. So that's why I am covering this portion right now and leaving behind GST annual return, because the date for GST annual return is 30th June 2019. So today I will be discussing GST composition scheme and the topics which I have covered, that what exactly GST composition is meaning, kya iska matlab, aur who all are the persons which are who are eligible for this scheme and who are ineligible, and conditions kya hai guys, mandatory conditions agar aapko composition scheme leni hai aur aapko kin kin baaton ka dhyan rakhna hai. So main start karta hu guys, so please video zarur dekhna ki un persons ke liye jo puri compliances ka burden nahi uthana chahte hain aur rate kam pay karna chahte hain, to unke liye bahut important hai, puri video dekhna. Aur agar channel acha laga to subscribe zarur karna. So guys start karte hain. So GST composition scheme का इसका मीनिंग मैं आपको पहले बताता हूँ. GST composition scheme में क्या होता है गाइस, आपको ना कम रेट पे अपना टैक्स पे करना पड़ता है. सो अभी वैसे वी आर हैविंग डिफरेंट रेट्स, 18%, 12%, 28% एंड 5%, बट इन GST composition scheme यू कैन पे योर टैक्स एट अ लोअर रेट. सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, दैट पे जीएसटी एट अ फिक्स रेट ऑफ टर्नओवर. एक तो सर, एक तो ये एक बेनिफिट हो गया. दूसरा बेनिफिट ये है कि गाइज आपको ना कॉम्प्लिकेटेड जो प्रोसेस है, जैसे आपको पूरा डाटा मेंटेन करके रखना है, जैसे अगर आप नॉर्मल स्कीम पे हो, रेगुलर स्कीम पे हो, तो आपको काफी रिक्वायरमेंट, जैसे कि अगर आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी है, अगर आपकी 1.5 करोड़ से ऊपर जा रही है टर्नओवर, और आपको काफी रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने हैं. बट कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन नहीं करना, कुछ भी कॉम्प्लिकेट प्रोसेस नहीं करने हैं, आपको सिंपल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है और रेट पे कर देना है, फिक्स रेट. अब कौन से पर्सन है जो एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, मैंने ये लिखा हुआ कि जिन पर्सन की टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, 1.5 करोड़ तक दे कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. अब गाइज ये जो 1.5 करोड़ की टर्नओवर है, ये लिमिट चेंज हो गई, ये 1st अप्रैल 2019 से 1.5 हो गई, बट बिफोर 1st अप्रैल 2019 ये जो लिमिट थी 1 करोड़ तक थी, बट अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है कि 1 अप्रैल 2019 से दोज पर्सन हु आर हैविंग टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ कैन ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम. एंड इफ वी टॉक अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड इंक्लूडिंग उत्तराखंड, उसके लिए लिमिट गाइज है 75 लाख. ठीक है, 1.5 करोड़ आपको देखनी है, अगर आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और उत्तराखंड के केस में 75 लाख. अब गाइज अब ये टर्नओवर का मीनिंग क्या है, अब टर्नओवर आपने देखनी कैसे है. टर्नओवर आपको सपोज करो आपके 2 बिजनेस है, 3 बिजनेस है, 4 बिजनेस है विद सेम पैन, तो आपको सभी बिजनेस की टर्नओवर को एग्रीगेट करना है. अगर वो 1.5 करोड़ तक आती है, ओनली देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्कीम, अदरवाइज यू कांट ऑप्ट. सो मैंने ये टर्नओवर पे जो स्टार लगाया, मैंने यही लिखा हुआ है गाइस कि टर्नओवर ऑफ ऑल बिजनेसेस रजिस्टर्ड विद दिस सेम पैन शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन टू कैलकुलेट टर्नओवर. ठीक है गाइस, अब 31 मार्च 2019 से पहले गाइस करना क्या है, तो जो पर्सन अभी रेगुलर स्कीम में रजिस्टर्ड एंड देयर टर्नओवर इज अप टू 1.5 करोड़, रीजन बींग सपोज करो अगर पहले आपकी 1.2 करोड़ थी, यू कांट अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम बिकॉज पहले लिमिट थी 1 करोड़, बट नाउ लिमिट हैज चेंज एंड इंक्रीज बिकॉज नाउ यू कैन अप्लाई टिल 1.5 करोड़. सो अभी आपके पास ऑप्शन है जो कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं. सो आपको क्या करना होगा गाइस, टिल 31st मार्च 2019 आपको इंटीमेशन देनी होगी इन फॉर्म जीएसटी CMP 02. CMP 02 बेसिकली एप्लीकेशन है फॉर कंपोजिशन स्कीम, और ये लाइव हो चुका है, और आपको ये कैसे फाइल करना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, बट आप पहले ये समझ लो आज की जीएसटी CMP 02 फाइल करना होता है. अगर आपको क्या करना होता है, आप अगर रेगुलर में रजिस्टर्ड हो और आप कंपोजिशन में स्कीम में स्विच करना चाहते हो, तो आप जीएसटी CMP 02 फाइल कर सकते हो एंड यू कैन अप्लाई फॉर दिस कंपोजिशन स्कीम. और गाइस एक स्टेटमेंट और देनी पड़ती है फॉर्म जीएसटी ITC 03. अब ITC 03 क्या है, ITC 03 वो है कि आपका और आपकी 03 आपको देना होता है विद इन 60 डेज ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. मतलब यू विल गोइंग टू अप्लाई फॉर फाइनेंशियल 1920, तो आपको 1920 के स्टार्टिंग जब बिगनिंग हो जाएगा उसके 60 दिन के अंदर, मतलब अप्रैल 19 के 60 दिन के अंदर अंदर आपको ITC 03 बताना फाइल करना होगा, और इसमें बताना होगा कि आपका स्टॉक बताना होगा, आपका इनपुट कितना है, लाइक करता है स्टॉक में, सेमी फिनिश गुड्स में और फिनिश गुड्स में. ऐसा ये क्यों पूछ रहे हैं गाइस, बिकॉज कंपोजिशन स्कीम में कंडीशन यही है कि आप ITC क्लेम नहीं कर सकते. ITC क्लेम नहीं कर सकते मतलब आपने जो परचेजेस की हुई है उसका ITC आप क्लेम नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग दी स्टॉक डिटेल्स एज ऑन व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई, बिकॉज अप्लाई अगर आप 31st मार्च 2019 तक करते हो तो आपको सारी स्टॉक डिटेल इनको बतानी पड़ती है. आई होप आपको क्लियर होगा गाइस की क्या चीज है, 1.5 करोड़ टर्नओवर एंड 75 लाख फॉर नॉर्थ ईस्टर्न एंड उत्तराखंड, आप पे कर सकते हो विद लोअर रेट. लोअर रेट क्या है गाइस मैं आपको बताऊंगा, और आपको कंप्लायंसेस पूरी नहीं करनी पड़ती हैं,
आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करने हैं, आपको सिंपल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करनी है और आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कलेक्ट नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए क्या करना है, जीएसटी सीएमपी 02 फाइल करना है। सीएमपी 01 गाइस उनके लिए होता है जो प्रीवियस रेजिम में रजिस्टर्ड थे, उन्होंने जिन्होंने स्विच करना था कंपोजिशन स्कीम में वो सीएमपी 01 फाइल करते थे। तो हमें क्या फाइल करना है, सीएमपी 02 जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है एज अ रेगुलर टैक्स पेयर, तो उनको फाइल करना है सीएमपी 02 और फॉर्म फाइल करना आईटीसी 03 फाइल करना है विद इन 60 डेज ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल 1920 जब अप्रैल स्टार्ट हो जाएगा उसके 60 डेज में। और टर्नओवर कौन सी देखनी है, 1.5 करोड़ के लिए या 75 लाख के लिए, आपके जितने भी बिजनेस है गाइस जो रजिस्टर्ड है विद सेम पेन सबको मिलाकर। आई होप गाइस हमें समझ में आ गया कि पर्सन एलिजिबल कौन से हैं। अब इन एलिजिबल क्या है गाइस, आप ये चीज देख लो कि जो पर्सन सप्लाई करता है कोई एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स। अब गाइस एग्जाम सप्लाई जितने भी हैं, आप अगर जो भी आपकी कैटेगरी होगी आप उसको देख लेना, अगर आप सप्लाई करते हो एग्जाम सप्लाई ऑफ गुड्स तो आप ऑप नहीं कर सकते कंपोजिशन स्कीम। और दोज पर्सन हु आर मैन्युफैक्चरर्स ऑफ आइसक्रीम या पान मसाला या टोबैको, वो पर्सन भी इस स्कीम को ऑप नहीं कर सकते। और ये गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, जो पर्सन इंटरस्टेट सप्लाई करेगा, मतलब आप जैसे ए में रजिस्टर्ड हरियाणा में रजिस्टर्ड हो, अगर आप दिल्ली में भी सेल करते हो तो यू कांट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, मतलब यू कैन परचेज फ्रॉम आउटसाइड स्टेट बट यू कांट सेल इंटरस्टेट। मतलब जैसे आप हरियाणा में हो आप कहीं से भी परचेज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट अगर आप हरियाणा के बाहर सेल करते हो तो यू कांट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। आई होप दिस इज क्लियर, अ पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। एंड दिस इज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो बंदा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है वो भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता और नॉन रेजिडेंट भी। आई होप आपको ये पता है कैजुअल टैक्स पर्सन की, मतलब सपोज को दिल्ली में ट्रेड फेयर अगर लगाया और अगर वो बंदा महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है और अगर वो दिल्ली में आकर ट्रेड फेयर में अपना गुड्स वगैरह सेल करता है तो ही नीड नॉट टू अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ही कैन गो फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एज ए रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब उसको फुल फ्लेज रजिस्ट्रेशन नहीं लेनी है दिल्ली में, वो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो जाए फॉर द टाइम पीरियड जितना भी दिल्ली में ट्रेड फेयर का टाइम पीरियड होगा कि हाँ यहाँ तक सेल होनी है, तो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड हो जाए तो उस केस में वो उसका मीनिंग मैंने बताया। तो मतलब कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी कंपोजिशन स्कीम के लिए नहीं होते हैं। दूसरे बिजनेसेस विच सप्लाई गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर, मतलब कि सपोज करो आपका बिजनेस है फुटवेयर का बिजनेस है और आप इनको सेल करते हो थ्रू एमेजोन थ्रू फ्लिपकार्ट इनके थ्रू सेल करते हो, तो वो पर्सन भी जो सप्लाई करते हैं गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर दे कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो कंक्लूड करता हूं, जो पर्सन सप्लाई करते हैं एग्जाम्ड सप्लायर गुड्स नहीं ऑप्ट कर सकते, जो पर्सन है मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम पान मसाला और टोबैको, मतलब मैन्युफैक्चरर सिर्फ इन तीनों के केस में, मतलब अगर कुछ और मैन्युफैक्चरिंग करते हो यू कैन गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, आइसक्रीम पान मसाला और टोबैको केस में नहीं। और पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ गाइस इंटरस्टेट सेल पे है, आप इंटरस्टेट परचेस कर सकते हो, दूसरा आप सप्लाई नहीं कर सकते गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स ऑपरेटर और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये कंपोजिशन स्कीम नहीं मिलती। और गाइस अगला क्या है, मैंडेटरी कंडीशंस फॉर अवेलिंग कंपोजिशन स्कीम, मतलब आप अगर कंपोजिशन स्कीम ले लेते हो आपकी टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है, आप कंडीशंस में फॉल करते हो प्राइमरी कंडीशन, उसके बाद आपको करना क्या है गाइस, उसके बाद आपको ये कंडीशंस है कि टैक्स पेयर मस्ट मेंशन द वर्ड्स कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी साइन बोर्ड डिस्प्लेड प्रोमिनेंटली एट देयर प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपकी जैसे शॉप है तो आपको अपनी शॉप पे एक साइन बोर्ड पे स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा दैट यू आर अ कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे कस्टमर ऐसे जो लिखते ही नहीं है और उनको नोटिस भी आए हैं, उनके पेनल्टी भी लगी है। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हो, लो रेट पे करना चाहते हो, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना चाहते हो, तो आपको अपने साइन बोर्ड पे जो डिस्प्ले है लोगों को दिख रहा है वहां पे लिखा होना चाहिए कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। और ये क्या कह रहा है कि टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी बिल ऑफ सप्लाई इशूड बाय हिम। यहां दो क्वेश्चन उठते हैं, सबसे पहली बात बिल ऑफ सप्लाई होता क्या, गाइस वो मैं बाद में बताऊंगा कि बिल ऑफ सप्लाई क्या और उसके क्या उसमें कंडीशंस क्या और टैक्स इनवॉइस से क्या कैसे डिफरेंस है वो आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बट ये जो पर्सन है बिल ऑफ सप्लाई जो इशू करेंगे उस पर इनको मेंशन करना होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। अभी आप कंडीशन रिमेंबर करो, ठीक है गाइस। और अगला कंडीशन क्या, टैक्सेबल पर्सन मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज। गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड करो इसको, ये मतलब है कि अगर आप कंपोजिशन में जाते हो तो आप कस्टमर से टैक्स चार्ज नहीं कर सकते। अब इसकी दो चीजें सुनो, मतलब अगर आप टैक्स नहीं चार्ज करोगे तो मतलब कस्टमर को आपका प्रोडक्ट सस्ता मिलेगा क्योंकि आपको टैक्स नहीं लगाना। और टैक्स आपको क्यों नहीं लगाना, क्योंकि टैक्स आपको अपनी पॉकेट से पे करना है गाइज, आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, आप कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते। मतलब टैक्स पेयर मस्ट मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज एट द टॉप ऑफ द बिल ऑफ सप्लाई।
आप कलेक्ट टैक्स नहीं कर सकते, आपको टैक्स अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। और अगला गाइस पॉइंट क्या है, टैक्सेबल पर्सन मस्ट पे टैक्स एट नॉर्मल रेट फॉर ट्रांजेक्शन अंडर आरसीएम। मतलब अगर कोई आरसीएम की ट्रांजेक्शन है 93 या 94 जब तक एप्लीकेबल था, तो उस केस में, और 94 जब स्पेसिफाइड गुड्स और नोटिफाइड पर्सन पता लग जाएंगे, तो उस केस में आपको नॉर्मल रेट ही पे करना। मतलब अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो गाइस, आपको लोअर रेट पे करना है, मतलब आपको 18 नहीं करना, 12 नहीं करना, जो स्कीम में रेट है वो पे करना है लोअर रेट। बट अगर आप स्कीम में जाते भी हो तब भी आपको आरसीएम का नॉर्मल रेट पे करना है, जो भी है, सर्विस है तो 18% तो 18% पे करना है। और दूसरी बात, जैसे मैंने पहले बताया, कंपोजिशन स्कीम पर्सन आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, मतलब परचेजेस पे जो इनपुट रेट होता है वो क्लेम नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद आरसीएम, मतलब अगर आप आरसीएम में कोई टैक्स पे करते हो, यू कांट क्लेम योर आईटीसी अवेलेबल ऑन टैक्स पेड अंडर आरसीएम, ठीक है, नो आईटीसी अवेलेबल ऑन टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज। तो अगला पॉइंट क्या है, इफ अ टैक्सेबल पर्सन हैज डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ बिजनेस अंडर द सेम पैस, दे मस्ट रजिस्टर ऑल सच बिजनेसेस अंडर द स्कीम कलेक्टिवली और ऑप्ट आउट ऑफ द स्कीम। मतलब ये क्या कह रहा है, सपोज करो आपका एक इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है, एक आपका होलसेल का बिजनेस है, आप गारमेंट्स वगैरह सेल कर सकते हो। आप ये नहीं कह सकते गाइस कि मैं अपने इलेक्ट्रॉनिक के लिए कंपोजिट स्कीम अप्लाई कर लूं, या और रिटेल के लिए या होलसेलर के लिए रेगुलर स्कीम अप्लाई कर सकते हो, यू कांट डू। बिकॉज अगर ये सभी बिजनेस सेम पैन से रजिस्टर्ड है, तो आपको अगर कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आप गाइस आपको सभी को रजिस्टर कराना पड़ता है। आप यू कांट डू कि आप एक को कर लो बी को कर लो, अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपको सबको अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोवाइडेड आपका सभी के सभी बिजनेस एक ही पैन से रजिस्टर्ड है। आई होप आपको क्लियर हुआ। अगला क्या है, नो इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी क्लेम बाय डीलर, मैंने आपको पहले ही बताया। डीलर कैन नॉट सप्लाई जीएसटी एग्जेम्प्टेड गुड्स, मैंने पहले आपको बताया। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया। तो अगर मैं कंक्लूड करूं, मतलब क्या है कि आपको अपने साइन बोर्ड पे लिखना है कि आप कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन हो, अपने बिल ऑफ सप्लाई पे लिखना है, आप अपने कस्टमर से कलेक्ट नहीं कर सकते टैक्स, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी पॉकेट से, आपको आरसीएम पे नॉर्मल रेट पे टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको मतलब लोअर रेट नहीं पे करना, नॉर्मल जो रेट होता है जैसे 18% है, ये जो रेगुलर टैक्स पे करते हैं वही कंपोजिशन को पे करना पड़ेगा आरसीएम पे, और आरसीएम पे जो टैक्स पे किया गया होगा गाइस उस पे आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। और आपको कंपोजिशन स्कीम लेनी है तो आप पूरी सेगमेंट्स के लिए लेना है, किसी एक सेगमेंट के लिए नहीं ऑप्ट कर सकते, और आप आईटीसी क्लेम नहीं करोगे। आई होप गाइस आपको समझ में आए, एंड थैंक यू सो मच गाइस, एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद फॉर फर्दर वीडियोज एंड फॉर फर्दर अपडेट्स वेदर ऑन जीएसटी एंड इनकम टैक्स, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।